इन दिनों बॉलीवुड में बायोपिक बनाने का ट्रेंड सा चल पड़ा है। क्रिकेटर से लेकर राजनेताओं तक की जिंदगी और उनके संघर्ष को बड़े पर्दे पर उतारा जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, बाल ठाकरे, एनटी रामाराव, जयललिता और पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब राजनेताओं की रियल लाइफ पर बन रही फिल्मों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। राजनीति को ताकतवर बनाने वाली मायावती के जीवन ने फिल्म मेकर्स को आकर्षित किया है। खबरें आ रही हैं कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी बायोपिक बन सकती है। इस फिल्म को सुभाष कपूर डायरेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती के किरदार के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन का नाम सामने आया है। हालांकि जब बायोपिक पर सुभाष कपूर से बात की गई तो उन्होंने इन खबरों को खारिज कर दिया। माना जा रहा है कि अगर ये बात सच साबित हुई तो विद्या बालन के लिए ये बड़ा मौका होगा। फिलहाल विद्या बालन एक वेब सीरीज में काम कर रही हैं, जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। मायावती भारत की राजनीति में पिछले ढाई दशक से एक बड़ी ताकत के रूप में नजर आई हैं। उन्होंने अलग अलग टर्म में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। उन पर राजनीति में कई विवाद और आरोप भी हैं। अगर मायावती की बायोपिक बनती है तो दर्शकों को उनकी जिंदगी के कई पहलू देखने को मिलेंगे। बता दें कि इससे पहले सुभाष कपूर मोगुल नाम की बायोपिक पर काम करने वाले थे। सुभाष पर मीटू के तहत आरोप लगने की वजह से उन्हें इस प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। एंटरटेनमेंट डेस्क, राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस पर आपको मिलती हैं देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।